बजट से पहले हलवा सेरेमनी मना रही वित्त मंत्री से विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं कि क्या गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों को गलत तरीके से उस दौर में हलवा खिलाया जा रहा है जिस दौर में देश के करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए कड़ा संघर्ष करने को मजबूर हैं। गौतम अडानी के कारोबार पर अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुलासा किया कि कई कंपनियों को असल कीमत से ज्यादा बताकर बैंकों से मोटा कर्ज लिया गया है। शेयर मार्केट में खलबली मचाने वाले इस खुलासे के बाद अडानी ग्रुप ने सफाई देते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी अडानी ग्रुप को खुली चुनौती दी है। अडानी ग्रुप पर धमकियां देने का आरोप लगाते हुए हिंडनबर्ग ने जवाब देते हुए कहा, जैसा कि हमें उम्मीद थी अडानी ने हमारी 106 पेज की रिपोर्ट को बेबुनियाद बता दिया जिसे हमने 2 साल के अरसे में तैयार किया था। हमें कानूनी कार्रवाई की भी धमकियां दी जा रही हैं। जहां तक कानूनी कार्रवाई की धमकी का सवाल है तो हम इसका स्वागत करते हैं। हम अपनी रिपोर्ट के साथ खड़े हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होगा। अगर अडानी वाकई सीरियस है तो हमारे खिलाफ यूएस में भी केस दर्ज कराना चाहिए जहां से हम काम करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च गौतम अडानी को चैलेंज कर रहा है कि दम है तो कानूनी कार्रवाई करो। गौतम अडानी पर इस खुलासे की भले मेनस्ट्रीम मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं है लेकिन बजट सत्र में इस मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट सत्र में विपक्षी सांसद सरकार से सवाल कर सकते हैं कि गौतम अडानी को जो मोटा कर्ज दिया गया है बैंकों का वो पैसा कहीं जोखिम पर तो नहीं है।